दीपावली पर जानिए कैसे हमारे जीवन में मोक्ष रूपी उजाला होगा। दीपावली प्रत्येक वर्ष कार्तिक की अमावस्या को मनाया जाने वाला त्योहार है। दीपावली भारत के सबसे बड़े और सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। विष्णु जी राम रूप में श्रापवश जन्मे थे। राम विष्णु जी के अवतार थे जो नारद जी के श्रापवश धरती पर कर्म भोगने आए थे। नारद जी के श्रापवश विष्णु जी को त्रेता युग में एक जीवन स्त्री वियोग में गुजारना था। राम जी इस दिन अपनी धर्म पत्नी सीता जी को 12 वर्ष रावण की कैद में रहने के बाद वापस अयोध्या लेकर लौटे थे। सीता को अयोध्या वापस लाने से पहले राम जी ने सीता की अग्नि परीक्षा ली थी जिसमें सीता जी पास हुई थी। यह त्रेता युग की बात है। जब राम जी सीता जी की परीक्षा लेकर अयोध्या लौटे थे तब तक वह दोनों 14 बरस का वनवास भोग चुके थे। अयोध्या में उनके लौटने पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी कि अयोध्या नगरी को अब उनका नरेश वापस मिलेगा। उनके घर लौटने की खुशी में नगरी को दीपों की रोशनी में जगमगा दिया गया था। फिर उसके बाद जो हुआ राम और सीता का जीवन सदा दुखों से भरा रहा। पहले विवाह होते ही राजपाट छोड़कर वनवास भोगना पड़ा। राम और सीता को अभी वनवास से लौटे 2 ही बरस हुए थे कि धोबी और उसकी पत्नी के घरेलू झगड़े में धोबी ने अपनी बीवी को यह ताना मारा कि मैं राम जैसा नहीं हूँ जो अपनी पत्नी को 12 वर्ष रावण की कैद में रहने के बाद भी घर में रखे। धोबी का यह व्यंग्य राम जी के हृदय को छलनी कर गया और उन्होंने निश्चय किया कि वह अब लोगों के और व्यंग्य नहीं सुनेंगे और सीता जी का त्याग कर देंगे। इस पृथ्वी पर किसी को भी राम जी द्वारा सीता जी को घर से निकालने का दुहक नहीं। राम जी भी क्रोध अहंकार मोह लोभ के जाल से मुक्त नहीं थे। वह असली मर्यादा पुरुषोत्तम होते तो भरी रात में अपनी गर्भवती स्त्री को घर से नहीं निकाल देते। सीता जी को निकालने के बाद अयोध्या को कभी भी दिए जलाकर रोशन नहीं किया गया था। जब वह लौटे थे तो बम फुलझड़ी राकेट बम अनार इत्यादि भी नहीं जलाए गए थे। न तो उपहारों का आदान प्रदान किया गया था। वर्तमान समाज के लोग अपनी मनमानी पूजा कर रहे हैं। नकली दिवाली की खुशी का दावा ठोकते ठोकते समाज को उसने बीमारियों का घर बना दिया है। प्रतिवर्ष दिवाली पर जलाए जाने वाले बम पटाखे जानलेवा धुआं उत्पन्न करते हैं जिससे बच्चों बूढ़ों और जवानों को दमे और सांस की घुटन जैसी बीमारियां हो जाती हैं। रावण का पुतला कभी नहीं जलाया गया था। फिर यह प्रतिवर्ष दिवाली मनाने और रावण फूंकने जैसी गलत परंपरा कहां से आई। हमारी भक्ति का आधार गीता वेद पुराण ग्रंथ और शास्त्र होने चाहिए। किसी भी ग्रंथ में दिवाली और रावण दहन करना चाहिए नहीं लिखा है। दिवाली वाले दिन आकाश में केवल धुआं ही धुआं दिखाई देता है। सच तो ये है कि राम 3 लोक के मालिक हैं और इनकी बुद्धि का कंट्रोल इनके पिता काल के हाथों में है। वह जब चाहे इसे ऑन और ऑफ कर देता है। उदाहरण के लिए राम भगवान होते हुए भी यह न जान पाए कि सीता कहाँ चली गई या उसे किसी ने उठा तो नहीं लिया। सीता को रावण की कैद से छुड़ाने में कई करोड़ सैनिक रावण के 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख रिश्तेदार भी मारे गए थे। राम जी साधक की इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकते। राम जी भगवान कहलाते जरूर हैं, परंतु इनकी शक्तियाँ बहुत सीमित हैं। यह मरे हुए व्यक्ति तक को जीवित नहीं कर सकते जब युद्ध के समय लक्ष्मण मूर्छित कोमा वाली स्थिति अवस्था में चले गए थे तो राम जी ने बहुत विलाप किया। फिर हनुमान जी उड़कर संजीवनी बूटी लाए और लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा हो पाई। तो लोग दिवाली क्यों मना रहे हैं? कार्तिक अमावस्या की वह काली रात अयोध्या के लिए खुशी का एकमात्र दिन था जब राम जी सीता माता संग अयोध्या लौटे थे। इसे त्योहार का रूप रंग राम सीता और अयोध्या वासियों ने नहीं दिया। दिवाली या अन्य कोई भी त्योहार जो आज वर्तमान में मनाए जा रहे हैं इनका लेना देना गीता वेदों और अन्य ग्रंथों से नहीं है। यह सत्य कथा अवश्य है परंतु इसे त्योहार रूप में मनाने से कोई लाभ नहीं। यह केवल मनोरंजन मात्र और यादगार के तौर पर मनाए जा रहे हैं।
सच तो यह है कि राम जी और सीता का मिलन श्रापवश संभव ही नहीं था। राम जी सीता जी से मिलना चाहते थे, परंतु सीता उनका मुख भी देखना नहीं चाहती थी, जिस कारण सीता धरती की गोद में समा गई और अंत में पश्चातापवश राम जी ने सरयू नदी में जल समाधि ली। यदि भगवान से लाभ लेना है तो उसकी विधि न्यारी और सीधी है, तत्व ज्ञान प्राप्त करना और तत्वदर्शी संत की शरण में जाना। अवश्य पढ़े पुस्तक ज्ञान गंगा। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कबो ना हो वे मुक्ति। भावार्थ, परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि जो साधक भूलवश तीनों देवताओं रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव की भक्ति करते हैं, उनकी कभी मुक्ति नहीं हो सकती। यही प्रमाण श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 तथा 20 से 23 में भी है। कहा है कि साधक त्रिगुण यानी तीनों देवताओं रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव को कर्ता मानकर उनकी भक्ति करते हैं, अन्य किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। जिनका ज्ञान हरा जा चुका है यानी जिनकी अटूट आस्था इन्हीं तीनों देवताओं पर लगी है, वे राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए हैं, मनुष्यों में नीच दूषित कर्म बुरे कर्म करने वाले मूर्ख हैं। गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि वे मेरी काल ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन की भक्ति नहीं करते। उन देवताओं को मैंने कुछ शक्ति दे रखी है, परंतु इनकी पूजा करने वाले अल्प बुद्धियों अज्ञानियों की यह पूजा क्षणिक सुख देती है, स्वर्ग लोक को प्राप्त करके शीघ्र जन्म मरण के चक्र में गिर जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश और लक्ष्मी उपासकों को इनकी सही भक्ति विधि जाननी चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर साहेब जी द्वारा दी जाने वाली सतभक्ति करनी चाहिए। सतभक्ति मनुष्य को अज्ञान रूपी अंधकार से निकालकर ज्ञान की रोशनी में ले जाएगी। असली दिवाली प्रत्येक मनुष्य को मनानी चाहिए, क्योंकि कबीर साहेब जी संत रामपाल जी महाराज रूप में पृथ्वी पर उपस्थित हैं। परमात्मा की सतभक्ति करने वालों के घर रोज सतभक्ति की दिवाली मनाई जाती है। इस दिवाली सपरिवार सत्संग देखिए साधना चैनल पर 7:30 से 8:30 पर। पुणात्मा, एक परमात्मा को छोड़कर पूर्ण ब्रह्म को छोड़कर अन्य किसी भी देवी देवता की या किसी हम प्रभु की ब्रह्म की साधना करते हैं वो मोक्षदायक नहीं है, वो आपको जन्म मृत्यु के इस दीर्घ रोग से नहीं छुड़वा सकती। और जो हमारे प्रारब्ध के जो पाप कर्म है उनको भी पूर्ण परमात्मा ही नाश कर सकता है। नहीं तो आप जी के पास इतिहास है हमारे भगवानों का, जिनको हम परमात्मा माना करते थे, जैसे श्री विष्णु जी, उनके अवतार श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी। सत्संग में आपको बताया था कि वो भी अपने प्रारब्ध के कर्मों को समाप्त नहीं कर सके, उनको भोग कर ही समाप्त किया। भगवान श्री रामचंद्र जी पर जाता था कि ये सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सब दुखों का निवारण कर देते हैं। यानी विष्णु भगवान कहो चाहे श्री रामचंद्र जी कहो या श्री कृष्ण जी कहो, तो हम ये सोचा करते थे कि ये भगवान हमारे दुखों का निवारण करते हैं, ये समर्थ शक्ति है। अब हमने राम की परिभाषा समझनी पड़ेगी, प्रभु की परिभाषा समझनी पड़ेगी, और हमने उन राम में से सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन से राम की शरण में जाना है। अब जैसे ये श्रद्धालु कहते हैं, कोई प्रश्न करता है आचार्यों से, गुरुओं से, मंडलेश्वरों से कि क्या श्री कृष्ण अर्थात श्री विष्णु जी हमारे पापों का नाश कर सकते हैं, क्या वे जो श्राप दे दिया जाता है एक दूसरे को तीन ताप के अंतर्गत, क्या हमारे उन तीन तापों का वो नाश कर सकते हैं। तो कहते हैं कि हाँ, भगवान श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी हमारे सब पापों का नाश कर देते हैं। और प्रमाण के लिए कहते हैं गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 को बोलते हैं कि सर्व धर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भवमोक्षामि मा शुच। पहले तो उनको ये पता नहीं कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण नहीं, श्री कृष्ण में
प्रवेश करके ये ब्रह्म बोल रहा है, सर्वपुरुष बोलता है। और व्रज का माने आना नहीं होता, जाना होता है। अब गीता ज्ञान दाता सर्वपुरुष है, ये ब्रह्म है, और ये परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कहता एकम। एकम माने जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय, उसकी शरण में जा। उसकी शरण में जाने से फिर तू मेरे सतर की जो पूजाएं हैं मुझे छोड़ दे, ये ब्रह्म कहता है। फिर मैं तुझे यहाँ कुत्ते गधे सूअर यानी कष्ट नहीं दूंगा, मैं अपना कर्जा चुका लूंगा। तो यहां पुण्यात्मा विचार करने की बात है कि श्री कृष्ण जी और श्री रामचंद्र जी और श्री विष्णु जी अपने श्राप को, अपने पाप को, कर्म दंड को नहीं समाप्त कर सके, नाश नहीं कर सके, उपासकों का कैसे कर देंगे वह? जैसे श्री विष्णु जी को श्राप दिया था नारद जी ने, और ये श्राप दिया था कि नारद जी के मन में विवाहकरण की प्रेरणा होगी, और उस देखा कि राजा की लड़की का स्वयंवर था, और उसमें लड़कियां अपनी मर्जी का पति अपनी इच्छा से सिलेक्ट करती थी, और राजा लोग बैठ जाते थे वहाँ सामने आके। नारद जी ने विवाह कराने की सोची, और फिर सोचा भी मेरा विवाह कौन करेगा, मैंने तो कचकोला कढ़ा रखा है इतनी मोटी छोटी सिर पे, और शकल भी ठीक को ना। तो उसने सोचा कि भगवान विष्णु से उनका स्वरूप ले लेता हूँ। एकांत में जाकर टेलीफोन किया, याद किया श्री विष्णु जी प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा भगवान मैंने विवाह करवाना है, और आप मना मत करियो, आज पहली बार आपसे कोई वस्तु मांग रहा हूँ, मुझे आप हरी रूप चाहिए, मुझे हरी रूप चाहिए, अर्थात आपका सुंदर स्वरूप मुझे दे दे। श्री विष्णु जी ने कह दिया तथास्तु। अब उसका बंदर का मुंह लग गया, बंदर का, हरी माने बंदर भी होता है। अब उसने सोचा नारद जी ने कि आज तेरे सुंदर कोई नहीं सभा में, अर्जा कर बैठ गया कुर्सी पर जच के। अब वह लड़की आई वरमाला लेकर, सामने देखा बालू बैठा। अब वह एक कदम पीछे से होकर आगे चली गई। नारद जी ने सोचा शायद लड़की की दृष्टि नहीं पड़ी मेरे ऊपर। वहां से उठकर एक और खाली चेयर थी दूसरे में, वहां जा बैठा। जो वहां से भी लड़की आगे निकल गई, नारद जी कहने लगे भाई यह अंधी है क्या? और दूसरे तो बोला, साथी ने उसको यो दिखा दिया दर्पण, अग देख अपनी शक्ल तो देख लिया, हमने डर लगे तेरे थे। तब उसने देखा जब दर्पण यानी अपनी शक्ल देखी, उसने बिना गिनती की गाली दे दी विष्णु भगवान को नारद जी ने। और उसी समय विष्णु जी आ गए, और विष्णु जी के गले में वरमाला उस लड़की ने डाल दी। तब नारद जी ने विष्णु जी से कहा कि तू सचमुच धोखेबाज है, जैसे आज मैं एक औरत के वियोग में रो रहा हूँ, एक जीवन तू सारा अपनी पत्नी के वियोग में रोएगा, तुम्हारा कभी मिलन नहीं हो पाओगा। उसी श्रापवश श्री विष्णु जी श्री रामचंद्र रूप में अयोध्या के राजा दशरथ के घर जन्मे। युवा होते ही विवाह हुआ सीता जी के साथ, विवाह होते ही वनवास हुआ। वनवास में तुरंत ही कुछ ही वर्षों के बाद सीता जी का अपहरण हुआ और रावण के साथ युद्ध हुआ। युद्ध के बाद घर ले आए सीता जी को, और एक धोबी के व्यंग से सीता जी को घर से निकाल दिया। आजीवन श्री राम और सीता जी का मिलन नहीं हुआ। पुण्यात्माओं, भले ही श्री रामचंद्र जी अयोध्या का राज करते थे, लेकिन जिस व्यक्ति का परिवार कहीं हो, उसकी पत्नी कहीं, बच्चे कहीं, और वो कहीं, वो सपने में भी सुखी नहीं हो सकता। और अंत समय में जब उसने पता चला कि मेरे पुत्र लव और कुश यहाँ पर हैं, उन्होंने भी उससे नफरत होगी और उनसे बात करना पसंद नहीं किया, और सीता जी भी पृथ्वी के अंदर समागी, उसके दर्शन तक नहीं किए।
अपुनात्माओं, वैसे तो हम देखो ये भगवान माना करते थे, हमारी आंखें बिल्कुल बंद हो चुकी थी ज्ञान वाली। सीता जी को जब युद्ध के बाद घर लाना चाहा था श्री रामचंद्र जी ने, तो ये कहा था कि मैं परीक्षा लेकर घर चलूँगा, यदि तू परीक्षा में सफल होगी तो मैं मान लूँगा तू निष्कलंक है, रावण से तेरा कोई संबंध शारीरिक नहीं हुआ, और यदि तू परीक्षा में सफल हुई तो खत्म हो जाएगी। क्या परीक्षा ली थी श्री रामचंद्र जी ने कि अग्नि में बैठा दी थी सीता जी को, आग लगा दी थी चिता बना के, और ये सोच लिया था कि यदि ये कलंकित होगी तो जड़ मरेगी टंटा कट्टे, और सही होगी निष्कलंक होगी तो जीवित रह जाएगी। तो सीता जी जली नहीं थी, परीक्षा में सफल हुई थी। उसके बाद फिर आकर के एक धोबी ने कह दिया, अपनी पत्नी ने कुटा था, वह कि तो दो दिन उस तो दुखी होकर अपने चली गई होगी मित्र प्यारी अपनी सहेली के यहाँ, और जब वो वापस आई तो उसने रात ने कुटा था, और ये कह रहा था कि मैं ये रात दशरथ का बेटा रामचंद्र नहीं हूँ जो 12 वर्ष रावण के पास रही और फिर उसको अपने घर पे रखे बैठा है। उस समय राजा लोग एक विशेष न्यायकारी होते थे, भेष बदल कर अपनी नगरी में घुमा करते थे कोई व्यक्ति दुखी तो नहीं है। तो रामचंद्र जी ने कान ला कर सुना तेरा जिक्र कैसे हो रहा है, उसने 2-3 बार दोहराई ये बात, इस बात पर कि मैं निंदा का पात्र बन गया हूँ सीता को घर ला कर, अगले दिन सीता को निकाल दिया कि मैं दुनिया की व्यंग नहीं सुन सकता, और जाइए आप, मैं नहीं रख सकता आपको, आप रावण के पास रही हो। अब फूटे भाग मारे से भगवान थे हमारे, गर्भवती पत्नी और अकेले निकाल सुबह भाग जाए यहाँ से, अरे कलेजा फटन हो जाता है। आदमी अकेला निकाल के देखो वो तो एक औरत की जाती थी, कहाँ जंगल में जावे, और कहते हैं झाड़ झाड़ बैरी होता है स्त्री का। और ये थे हमारे भगवान, ये थे इनके करैक्टर, इनको हम कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। या क्या मर्यादा थी भाई, एक गर्भवती पत्नी को और घर से निकाल देना, कितना मरो चाहे जीवे, ये तो कितना कट्टर स्वभाव होगा उस व्यक्ति का। अब कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, श्री रामचंद्र जी को जब पता चला, उसने अश्वमेघ यज्ञ करी थी, घोड़ा छोड़ दिया, लव कुश ने पकड़ दिया, रामचंद्र जी के छक्के छुड़ा दिए, सीता को पता चला तो दर्शन भी नहीं करे उसे, किसे के दर्शन करूँ समागी धरती में, और श्री रामचंद्र जी ने आकर के वापस इसी दुख में सरयू नदी में जल समाधि ले ली, सरयू नदी में शरीर छोड़ दिया। उसके बाद फिर श्री कृष्ण रूप में जन्म हुआ, और रावण के साथ युद्ध के दौरान श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव के भाई बाली को मारा था एक वृक्ष की ओट लेकर, यानी धोखे से, तो उसका भी बदला देना पड़ा श्री कृष्ण जी के रूप में। वही विष्णु वाली आत्मा श्री कृष्ण जी हुई, और बाली वाली आत्मा यानी राम वाली आत्मा श्री कृष्ण रूप में द्वापर में जन्मे, और बाली वाली आत्मा एक शिकारी बना और उसने एक विषाक्त तीर बनवा लिया और श्री कृष्ण जी के पैर में तलवे में तीर मार दिया विषाक्त, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई श्री कृष्ण जी की। श्री कृष्ण जी ने जब पूछा उससे, उस पारधी से शिकारी से, शिकारी ने भगवान से कहा कि हे राजा, हे राजन, मेरे से गलती धोखे से आपके पैर में तीर लग गया, आपके पैर में पद्म है, ये चमक रहा था दिन का समय, झुरमट सी वृक्ष की छाई हुई थी और मैं शिकार के लिए घूम रहा था, आपके ये पद्म की रोशनी मुझे लगा जैसे मृग की आंख है हिरण की, मैंने धोखे से गलती से तीर मार दिया, ये तो विषाक्त है, अब आप जी नहीं सकते, मुझसे धोखा हो गया, गलती होगी, माफ करो, क्षमा करो। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि बाली, ये तेरे से धोखा नहीं हुआ, ये ऐसा ही होना था भाई, मैंने तेरे को धोखे से मारा था त्रेता युग में, और आज मैं वो बदला दे चला हूँ। अब दुर्वासा जी ने श्राप दिया था यादव कुल को, श्री कृष्ण जी के कुल को
श्री कृष्ण जी के समक्ष ही श्राप दे दिया था कि यादव कुल का नाश होगा। किसने? इस श्री कृष्ण जी का पुत्र प्रद्युम्न एक लड़की का स्वांग बनाकर पेट पर गर्भवती लड़की का स्त्री का स्वांग बना करके पेट पर लोहे का कड़ा है बांध के ऊपर के गुजरियां वाले औरतों वाले कपड़े पहन के और एक नकली पति बना के दुर्वासा के पास गए थे उसे मजाक करने के लिए। और ये पूछा था कि हे ऋषि, सुना है आप भूत भविष्य वर्तमान की सभी बता देते हो, त्रिकालदर्शी हो, बताइएगा इसके लड़का होगा या लड़की। तब दुर्वासा ने ध्यान से देखा कि ये तो बकवाद कर रहे हैं, कह दिया था कि इससे तुम्हारा यादव कुल का नाश होगा और दुर्वासा के श्रापवश 56 करोड़ यादव आपस में लड़कर मर गए और श्री कृष्ण जी भी उसी कढ़ाई के तीर से मरा जो शिकारी ने बना रखा था लोहे से। अपन आत्माओं, जब श्री कृष्ण जी, श्री रामचंद्र जी और श्री विष्णु जी तीनों रूपों में वो स्वयं हैं, वो अपने भी श्राप को यानी कर्म के दंड को नाश नहीं कर सके तो श्रद्धालु के कैसे कर देंगे। एक भक्त ने प्रश्न किया कि क्या श्री कृष्ण यानी विष्णु जी में कोई शक्ति नहीं है, जैसे श्री कृष्ण जी अर्थात विष्णु जी राजा मोरध्वज के घर गए थे, वहां उनके पुत्र ताम्रध्वज को आरे से चिरवा कर और उनको जीवित कर दिया था जब वो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। पुनात्माओं, कबीर परमेश्वर जी ने फिर ये इसका उत्तर दे रखा है, क्योंकि श्री आदरणीय द्रवदास साहेब जी ने भगवान से ये प्रश्न किया था कबीर जी से कि हे भगवान, हमने सुना है श्री कृष्ण जी ने मोरध्वज राजा के पुत्र को आरे से चरवा कर वो मृत्यु को प्राप्त हो गया था, उसको जीवित कर दिया था, और आप कहते हो कि ये समर्थ नहीं है, ये कोई परिवर्तन नहीं कर सकते भगवान, ये क्या छोटी बात है। तब परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ने कहा था कि धर्मदास, जब महाभारत के युद्ध में और अभिमन्यु की मृत्यु होगी थी, जो शुभद्रा पुत्र थे और शुभद्रा श्री कृष्ण जी की सगी बहन थी, श्री कृष्ण जी अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके, वहीं पर वे विद्यमान थे। अब धर्मदास साहेब ने पूछा कि हे भगवान, कारण क्या था। तब परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि ये भगवान आपकी आयु और श्वास को घटा बढ़ा नहीं सकते, अभिमन्यु की आयु इतनी थी, उसके प्रारंभ में ये परिवर्तन नहीं कर सकते। शुभद्रा रोवे थी, भगवान श्री कृष्ण रोवे थे अपनी बहन के दुख में, पांचों पांडव रोवे थे और उनका कुल नाश हुआ था, तो वहां थी समर्थता दिखाने का समय, वहां था उसको जीवित कर देते। और वहां क्यों जीवित कर दिया ताम्रध्वज को, क्योंकि उसकी आयु शेष थी, उसके श्वास शेष थे, इतनी क्षमता इनमें है कि इन टूटे फूटे शरीर को ये ठीक कर सकते हैं, लेकिन श्वास नहीं बढ़ा सकते, कर्म दंड को ये समाप्त नहीं कर सकते। तो परमात्मा ने कहा, तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटना ये तीनों तापम। तुम किस राम का भजन करते हो जिस कारण से आपकी साधना से, आपके द्वारा बताए गए इस मंत्रों से आपके अनुयायियों को लाभ नहीं हो रहा। आप उन भगवानों की भक्ति कर रहे हो जो आपकी किस्मत में लिखे हुए उन पापों का वो नाश नहीं कर सकते। और वेद बताते हैं परमात्मा घोर पाप भी नाश कर दे, तो इससे सिद्ध है आपको वो परमात्मा मिला नहीं है जिसकी तरफ वेद संकेत करते हैं। इति सिद्ध। वो परमात्मा कौन है? यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के और श्लोक नंबर 32 में कहा है, उसी कसी माने वो पूर्ण शांतिदायक है। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में
गीता ज्ञान दाता कहता है कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को यानी शाश्वत स्थान को, अविनाशी स्थान को, सत्यलोक को प्राप्त होगा, परम शांति को प्राप्त होगा। अब वेद क्या बताते हैं, यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 श्लोक नंबर 32 में कहा है, उसी कसी यानी जो पूर्ण शांतिदायक है, कबीर असी, वो कबीर है, वो कबीर परमात्मा है। वेदों में उसको कबीर देव कहते हैं, हम उसको कबीर साहब कहते हैं, और कुरान शरीफ में उसको अल्लाहु अकबर कहा है। वो कबीर असी बम्भारी असी, वो कबीर परमात्मा है जो बम्भारी माने बंधनों का, अरी माने शत्रु, जो बंधनों का शत्रु है। अंगारी असी जो पाप नाशक है, पापों का शत्रु, अग माने पाप, अरी माने शत्रु, जो पापों का शत्रु है, जो पाप नाशक है। और बम्भारी जो कर्म बंधनों, जो हमारे, क्योंकि हम संस्कार से यहाँ फंसे हैं, हमारे संस्कार यहाँ पर हैं, तभी हम उन संस्कारों से जन्म मृत्यु में लगे हुए हैं। कभी किसी से हमारा संयोग है, किसी के हम पुत्र बन गए, किसी की पुत्री बन गए, किसी के पति बने, किसी की पत्नी बने, तो ये संस्कार हमारे जो हैं, इनके कारण हम बंद में हैं। और ये काल की बंद है, कैद है, बंदी ग्रह है। तो फिर परमात्मा खुद बताते हैं कि बंदी छोड़ हमारा नामम, अदर अमर है अस्थिर ठाम, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं, अमर करूं तुम्हें यहाँ सदा के लिए सुखी कर दूंगा, जन्म मृत्यु से रहित कर दूंगा, तुम्हारे सब पापों का नाश करूंगा, सब संस्कार और बंधन यहाँ से समाप्त कर दूंगा, इसलिए मैं बंदी छोड़ कहलाता हूं। अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहा आए, सो तो एक कबीर है जो जननी जने नमाए। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुराणी जिला झज्जर वाले हरियाणा वाले को परमात्मा मिले थे, 10 वर्ष की आयु थी तब उनकी। किसान के घर जन्म था, जाट जाति में, खेतों में अपना पशु चरा रहे थे, गव्वें चरा रहे थे। वहां परमात्मा आए सतलोक से, जैसा उनके नियम में है अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको अपने ज्ञान से परिचित कराते हैं, सतलोक ले जाते हैं, तब उनको सचमुच वो एकदम दृश्य सारे सत महसूस हुए, और परमात्मा ने उनके अंतःकरण में वो यथार्थ ज्ञान, ज्ञान योग उनका खोल के, और वो फीड कर दिया था, यथार्थ ज्ञान उनके अंदर भर दिया था। परमात्मा के ज्ञान से, परमात्मा के से प्राप्त दिव्य दृष्टि से गरीबदास साहिब जी ने फिर बताया, अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार। यानी हमारे सदग्रंथ बताते हैं कबीर इज गॉड, आंखों देखा वो महापुरुष बताते हैं कबीर इज गॉड, हु कबीर, वो कौन कबीर। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। अब स्पष्ट भी कर दिया कि हु कबीर, जो काशी में जाति जुलाहा धानक रूप में रहा करते थे, वो है वो भगवान सृजनहार। गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि मुझे और अब्राहिम सुल्तान अधम, एक मुसलमान राजा था इराक देश का, उसको और आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, हम सुल्तानी नानक तारे और दादू को उपदेश दिया, जात चुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। अब स्पष्ट कर रहे हैं गरीबदास साहेब जी के मुझे पार किया, दादू साहेब जी को पार किया, नानक जी को पार किया। अब दादू साहेब जी को परमात्मा ऐसे ही मिले थे जैसे गरीबदास साहेब जी को मिले थे,
तो उन्होंने कहा था, जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर से।